सुबह उठते ही फेस पर हमें क्या करना चाहिए, आज के स्टूडेंट ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने, ब्लेमिस एंड पिगमेंटेशन ये देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये ना आज के टाइम में बहुत लोगों के लिए कॉमन हो गया, सबको एक ही साथ प्रॉब्लम तो होती नहीं, अलग अलग, लेकिन पिगमेंटेशन आज के टाइम में बहुत लोगों को हो रही है। पिगमेंटेशन में क्या करते हैं, क्रीम तरह तरह की यूज कर लेते हैं, जिनसे उनके स्किन पर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, जस्ट में वो क्लियर हो जाते हैं, बट उसके बाद तो आ जाते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से उनके स्किन पर वो ग्लो रह ही नहीं जाता। तो आपको क्या करना है, डेली रूटीन के लिए अपने पास जो प्रोडक्ट रखनी है वो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देती हूँ, जो रूल्स आपको रखना है अपने स्किन के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट आप उठते ही पानी का इस्तेमाल करें, जो कि पीने का, बहुत सारा पानी पी लें, जितना आपको पीने की इच्छा हो, और ये मैंस या वुमन सभी के लिए ये रूल्स है। एंड उसके बाद आप फेस वॉश चुनो जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग है। फेस वॉश आपको ड्राइनेस एंड ऑली एंड नॉर्मल स्किन टाइप के हिसाब से लेना है, आपके स्किन किस टाइप में। मैंने बहुत सारे स्किन टाइप्स के वीडियो बनाए हैं कि आपके स्किन पर क्या परफेक्ट रहेगा, तो आप फेस वॉश उसी के अकॉर्डिंग लेकर फेस वॉश कर लें। साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो क्या करते हो, ऐसा मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हो, ये गलत है, मॉइस्चराइजर क्रीम नहीं लगाना है आपको, सनस्क्रीन क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करना है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और हम सनस्क्रीन ही इस्तेमाल करेंगे। ये इवनिंग में जो होता है ना, हम इवनिंग में कर लेते हैं, लेकिन मॉर्निंग में हमें सनस्क्रीन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत से सनस्क्रीन बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, आपको अनब्रांड्स नहीं लेनी है, ब्रांड्स का ही प्रोडक्ट्स लेना है। बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं सनस्क्रीन में, आप देखते हो SPF ++, SPF++ 25 और 30, जो आपको समझ में आया, बट यहाँ पर सबसे सही है जो कि SPF++ एंड जो होता है 25, वो आप सबके स्किन के लिए परफेक्ट है, जिनसे आपके स्किन पर पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्ने, ब्लेमिश और जो दाग धब्बे होते हैं ना वो खत्म होते ही दिखेंगे, नेचुरल तरीके से स्किन पर ग्लो आएगा। तो ये रिजल्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये 15 दिन के बाद आपको आपके स्किन पर फोकस दिखने लगेगा, ऐसा ग्लो आपको नेचुरल तरीके, क्योंकि आप डेली रूटीन का ये प्रोसेस करते हो। और इसी टाइम आप एक भी दिन साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पे ना करिए, और पूरा ऐसा ध्यान रखें कि हमको ये चीज़ तो करना ही करना है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।